हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर न्यूज़। और दो दिन पहले फ्राइडे को यानी कि 29 मार्च 2019 को सिडनी एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ी घटना होते होते टल गया। फ्राइडे की सुबह 11:40 पर एटीसी के टावर पर एक अलार्म बजता है। ये स्मोक डिटेक्टर का अलार्म था, यानी कि टावर में कहीं आग लग चुका था। अलार्म के तुरंत बाद ही आग को खोजा जाने लगा, पर कहीं भी आग का पता नहीं चल पा रहा था। फाइनली थर्मल एनर्जी डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जो हीट को सेंस करके आग का पता लगा सकता है। ये आग बैटरी बैकअप सिस्टम से आ रहा था जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई कर रहा था। ये बैटरी ओवरहीटिंग के कारण जलने लगा था और करीब 1:40 के बाद सब कुछ दोबारा से ठीक कर लिया गया। इसी बीच सबसे कठिन वक्त था उन प्लेन्स के लिए जो सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहे थे लैंडिंग के लिए। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो इन प्लेन्स को डायरेक्शन बताती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता तो जरा सोचिए उन प्लेन्स का क्या होता जो इस एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। हालांकि प्लेन में रिजर्व फ्यूल भी होता है जिसकी मदद से ऐसे कंडीशंस में प्लेन को किसी दूसरे एयरपोर्ट में जाके लैंड कराया जा सके। सिडनी एयरपोर्ट के आसपास मेलबर्न और कैनवेरा एयरपोर्ट था। सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर 5 प्लेन्स उड़ रहे थे जिन्हें इन्हीं दोनों एयरपोर्ट्स में लैंड करा दिया गया। दोस्तों, एक एयरपोर्ट में लगातार कई प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। ये प्लेन्स कब, कैसे और किस डायरेक्शन में टेक ऑफ या लैंडिंग करेंगे, ये सब एटीसी डिसाइड करता है। ऐसे में अगर एटीसी को ही पावर मिलना बंद हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि प्लेन्स में टीकेएस यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है, जो एक ही रास्ते में आ रहे दो प्लेन्स को अलार्म के जरिए बताता है और उन्हें टकराने से बचाता है। पर फिर भी इतिहास गवाह है, एक छोटी सी मिस्टेक भी कई हादसों को जन्म दे सकता है। इस घटना के बाद हमें एक और चीज जानने को मिलता है, प्लेन में कार्स की तरह फ्यूल नहीं भरा जाता है। हम अक्सर कार्स में फ्यूल डाल देते हैं ये सोच के कि यार हमें 50 किलोमीटर जाना है तो 2-3 लीटर फ्यूल डाल देते हैं, पर प्लेन के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लेन्स में टेक ऑफ फ्यूल, लैंडिंग फ्यूल, रिजर्व फ्यूल और भी बहुत तरह के फ्यूल्स को एक्यूरेट मेजरमेंट करके भरा जाता है, ताकि अगर लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्लेन के पास पर्याप्त फ्यूल बचा हो किसी दूसरे एयरपोर्ट तक जाने के लिए। प्लेन में कितना फ्यूल भरा जाना है ये डिसाइड करता है उस प्लेन का फ्यूल ब्लॉक चार्ट, और इस फ्यूल ब्लॉक पर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली खबर आ रही है जेट एयरवेज की तरफ से। जेट एयरवेज का बुरा दिन तो चल ही रहा था, लेकिन अब और भी बुरा वक्त आने वाला है। जेट एयरवेज के पायलट्स और एम्प्लॉयज को कई महीनों से सैलरी नहीं दिया गया है, यानी कि वो 2-3 महीने से फ्री में काम कर रहे थे। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा पायलट्स ने 1 अप्रैल से प्लेन ना उड़ाने का फैसला किया है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद स्ट्राइक होने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है जेट एयरवेज के साथ। अगली खबर आ रही है बोइंग 737 मैक्स की तरफ से, और इस खबर को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, प्लेन हादसा में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग अपनों को खो देते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स उन सारे कारणों का पता लगाते हैं जिसकी वजह से प्लेन हादसा होता है, और उसे ठीक किया जाता है ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। पर बोइंग 737 मैक्स के केस में ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले ही लाइन एयरलाइन के साथ जो घटना हुआ, इसके बाद भी इस प्लेन में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया और ना ही इसके खराब सेंसर्स को गंभीरता से लिया गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बोइंग वेट कर रहा था कि जब दूसरा प्लेन हादसा होगा इथियोपियन जैसे एयरलाइन के साथ, या फिर जब सारी कंट्रीज बोइंग 737 मैक्स प्लेन को ग्राउंडेड कर देगा तब जाकर हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। वेल, ये सारे सवाल भले ही आपके मन में नहीं उठ रहा हो, पर उन लोगों के मन में जरूर उठ रहा होगा जिसने इन प्लेन हादसों में अपनों को खोया है। ऐसे ही एक व्यक्ति है शिकागो के रहने वाले जैक्सन मोसनी, जिन्होंने शिकागो फेडरल कोर्ट में बोइंग के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया कि बोइंग के मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्टिव फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करता है और खामियों का पता चलने के बावजूद भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता है जब तक कि इस प्लेन को देश भर में ग्राउंडेड ना कर दें।
और जब पूरे देश में इस प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया जाता है तब बोइंग अनाउंसमेंट करता है कि हाँ हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। वेल, ये पहले क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, बोइंग पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या फिर नहीं, बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। अगली खबर भी आ रही है बोइंग 737 मैक्स के ही तरफ से। बोइंग 737 मैक्स का एक मॉडल ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 27 मार्च 2019 को दोपहर के 2:50 में उड़ान भरता है। उड़ान के तुरंत बाद ही इंजन के परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस होने लगता है। ऑरलैंडो के ठीक सामने ही फ्लोरिडा एयरपोर्ट था, वहीं पर इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब बोइंग 737 मैक्स को 23 मार्च को ही पूरे दुनिया में ग्राउंडेड कर दिया गया था तो फिर क्यों कुछ एयरलाइन कंपनीज महज कुछ पैसों के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। अगली खबर आ रही है इसरो की तरफ से। 27 मार्च 2019 को स्पेस में एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कर लिया गया। इस टेस्ट में एक पुराने सैटेलाइट को मिसाइल के जरिए ब्लास्ट कराया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, जिसके अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए बताया, भारत अब दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश बन चुका है जो जल थल वायु और अब अंतरिक्ष में भी दुश्मन के सैटेलाइट्स का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पहले यूएस और चाइना भी ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज चुका है। तो इस न्यूज में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।